पार्टी नमस्ते सारा परिवार सिद्धि पर आगे पहुंच जाएंगे और इस पर निर्णय डालना चाहिए कि ये बच्चों के आसन पर ना बैठे करना चाहिए। वो काम मैं कर भी रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में झुककर नमस्कार करता हूँ कि आप मुझे यह आज्ञा दे ही दें। क्यों? क्योंकि आपके गुरु की आज्ञाओं से आप बंधे हुए हैं। मैं मेरे गुरु की आज्ञाओं बंधा है। मेरे गुरु प्रसन्न है सारे विद्याओं को देने के लिए लालय तत्पर को सिद्धांत दिया है और मैं उसी गुरु से प्रार्थना करता हूँ मुझे प्रभु के आसन स्थापन करने की आज्ञा दें। बहुत सारे आचार्य वीर आज शायद ही 100 साल हो गए हुए कोई ऐसा साधक कोई ऐसा केंद्र जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की हो। माँ ललिता के बारे में भी पंच प्रेतासन कहा गया है। उस आश्रम पर माँ ललिता का विराजमान रहती है। वो ललिता सिद्धि लालित्य वाली माँ कभी क्रोध नहीं करती। अपना बेटा कैसा भी हो अपने पास लेकर प्रेम करती है। आज आप भी अगर मेरे मार्ग को अपना कर सकते हैं तो पंचवटी आसन आपके लिए मार्ग की तरह काम करेगा। आप जो भी इच्छा करेंगे आपकी इच्छा पूर्णता की ओर ले जाएंगे। आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। उस आसन की स्थापना में जो नियम है मैं उस नियम के साथ ले जा रहा हूँ। मैंने हर टिकट आपको सुबह दे दिया। गणेश जी की साधना हुई अब आए आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर देता हूँ ताकि आप परीक्षा लिख सकें और उसके लिए आपको जरूर जो भी कार्य करना है ये कार्य जब तक आप क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर नहीं लिखेंगे परीक्षा वाला पास करना है फेल करने के तरीके में नहीं रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम फेल नहीं होने चाहिए। फेल नहीं होंगे क्योंकि योग्य गुरु के शिष्य हैं। हाँ ये जरूर बात है कि हम करते करते अविश्वास और विश्वास में डोलते जाते हैं। हमारे में साधना करते समय ये विचार आता है कि क्या गुरु जी मैं सिद्ध होंगी मैं सिद्ध होऊंगा मेरे में शक्ति है। आप इस बारे में मुझ पर छोड़ दो क्योंकि पाठ मैंने पढ़ा है। आपका टीचर लेक्चरर मैं स्थिति से आगे लेकर चलूंगा। आपको परीक्षा कैसी लिखनी है ये भी बताऊंगा। चाहे संत हो या महात्मा जितने भी मैंने कल जैसा सुनाया आज शिरडी साईं बाबा के मंदिर संसार में इतने हैं। आपने देखा है शिरडी साईं बाबा की जहां मूर्ति रखी है वहीं उनके सामने उनका शरीर रखा हुआ है और यह वह सिद्ध मंत्र है जिसके ऊपर शिरडी साईं बाबा की मूर्ति विराजमान है। और उन्होंने अपने 11 वचनों में कहा है कि शिरडी जो आया यही बात ही शेगांव विलास महाराज की नीचे विलास महाराज की समाधि है ऊपर राम लक्ष्मण सीता की समाधि है और एक मुंड नीचे रखा हुआ है उसके ऊपर समाधि से देवता रखे हैं। इन संतों के इस ज्ञान को उजागर करना परम पूज्य सद्गुरुदेव ने कहा है। उन्होंने कोई गुप्त बात नहीं रखी सबके सामने रखा मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। क्यों पंचवटी आसन को रखना चाहिए इसलिए पंचवटी आसन से तक आ गया है ये बात अलग है। अगर आज शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध है आज क्वचित ही ऐसा भारत का कोई गांव होगा जहां शिरडी के साईं बाबा मंदिर नहीं होगा। जब वे इतने सिद्ध उस आसन को सिद्ध करके कह सकते हैं कर सकते हैं तो हम उसके द्वारा कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। मैं यही बात कहता हूँ कि इस पंचवटी आसन की दिव्यता आप आज नहीं कर इसके इसके बारे में जान सकेंगे कि यह क्या है। आज आप चाहे माता काली बोलो शिव का मुंड नीचे डाली है और उसके ऊपर पांव रखी है सिद्ध है। तारा माँ नीचे शिव को डाली हुए ऊपर बैठे हुए छोटे से त्रिपुर सुंदरी पांच श्वेतासन को नीचे डाली हुए ऊपर खड़ी हुई है। चाहे गरुड़ वाहन हो चाहे शिव का वृषभ वाहन हो हर एक ने मुंड धारण किया मुंड माला के योग्य है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसने ऐसा कार्य ना किया हो लेकिन इसका रास्ते किसी ने किसी को नहीं पता है। चाहे आप संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि लो या संत तुकाराम महाराज हो हम कहते हैं कि वे अदृश्य हो गए वैकुंठ धाम का विमान गमन हुआ लेकिन आपको नहीं मालूम इंद्रायणी में जहां वे गायब हो गए वहां भी पंचवटी आसन की स्थापना थी और वहां पांडुरंग और विठलेश्वर मारुति की वहीं संतों की स्थापना हुई जहां से वे अदृश्य हो गए। इस तत्व को जानकर हमारे पास साधुओं ने संतों ने जो योग्य सिद्धांत के योग्य इस विद्या को छुपा के रखा एक बात अलग है। आठ प्रश्न करते हैं आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी किसी प्रकार का आपका आपकी समस्या हो सप्त ऋषियों के चाहे सप्त ऋषियों के आश्रम हो या संत महामुनियों के आश्रम हो उसमें एक कहा था
हर राजा जब अपना सब कुछ खो जाता था, राज्य दरबार सब कुछ खो जाता था, तब वो ऋषि के आश्रम में जाता था। मैं सब कुछ गया, मैं हार गया, मेरी पति पत्नी सब छूट गए, और ऋषि के पास जाकर बोलता था कि मेरा ऐसा क्या हुआ। वो ऋषि तब अपने आश्रम में बच्चों के आश्रम प्रस्थित होकर उसके पूर्वजों को देखकर कहते थे, तेरा यही दोष हुआ, इस दोष का निवारण कर तेरी सिर को सिद्धि मिल जाएगी। हर सप्तऋषि के आश्रम में बच्चों के आश्रम था, इसलिए वे जंगल में रहा करते थे, और उन्होंने जंगल में रहकर भी कामधेनु का कृष्ण जैसी साधना संपन्न की। इसके पीछे पंचम मुंडी आसन, नव मुंडी आसन, अष्टादश मुंडी आसन और एक कृष्ण की आसन और 108 मुंडी आसन केवल सिद्धासन और शांग्रीला मठ के दो जगह ही है। चाहे बौद्धों में हो, चाहे जैनों में हो, चाहे आप अगर वैष्णवी कहते हैं तो हम दूसरे हम आज हम विजय की मुसलमानों में भी देखा जाते हैं तो उस दरगाह की पूजा करते हैं। चाहे जैसे कृष्ण का मुंड हो या कुछ भी हो, वो भी नीचे रखकर उसके बाद भी प्रयोग किया गया है, वो समाधिस्थ मुंड है जिसके कारण ये सिद्धि प्राप्त होगी। इस बात को हम नहीं जानते कि इसमें इसके पीछे क्या रहस्य है। आज हम किसी देवता की प्राण निष्ठा करते हैं तो उसके नीचे हम किस द्रव्य को डालते हैं, चाहे पारक डालते हैं, मोती डालते हैं, सोना डालते हैं, इसके पीछे कौन से रस और वीर्य है। एक बार कुशुद्धानंद जी को एक संत ने ऐसा प्रश्न किया था कि प्रभु इस संसार में हमने सब कुछ देखा है, प्राण निष्ठा के लिए पारक और मोती नवरत्न अब इन सभी को डालते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो कुशुद्धानंद ने कहा, पारक शिव का वीर्य है, विष्णु का वीर्य है, और वह बीज उसमें डालने से उसमें प्राण निष्ठा होती है, जागृत होती है। बोले वीर्य का डालने से क्या होता है, बोले वीर्य में इतनी शक्ति है कि वो संसार में कुछ किसको भी सृष्टि कर सकता है, विष्णुधारण जी को भी सृष्टि कर सकता है, शिव को भी सृष्टि कर सकता है, विष्णु को भी सृष्टि कर सकता है। तुमने देखा है पेट में तुम्हारी स्त्री के पेट में कुछ भी डालो वो जीर्ण कर देगी, चाहे कुछ भी आप मांस से लेकर मदिरा से लेकर कुछ भी डालो जीर्ण कर देती है, लेकिन क्या उसके पेट में वीर्य जीर्ण नहीं होता, वीर्य पिंड अंदर बढ़ता है लेकिन जीर्ण नहीं होता, ऐसा क्यों होता है कि वीर्य में वो वीर की शक्ति है, वो जहां भी डाल गया प्राण प्रतिष्ठा उसके वीर्य लेने के कारण हर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के पहले पारक को डाला जाता है और उसमें उस प्राण प्रतिष्ठा में उस वीर की उत्पत्ति होती है और देवता की प्रतिष्ठा होती है। ये रहस्य है, इसके पीछे लोग आपको कुछ कहे या ना कहे, लेकिन इस रहस्य को जो जानता है उसे उसको ही इस प्राण प्रतिष्ठा का ज्ञान होता है। हम इस प्राण प्रतिष्ठा के तत्व को करने के बाद हम देखते हैं, कल तक आज आप गणेश जी की मूर्तियां देखते हैं रस्ते भर में प्लास्टर पैलेस की मूर्तियां, हाथ टूटी हुई, पांव टूटा हुआ, झोपड़ियों में पड़े हुए, लेकिन जब वो मूर्ति उठकर एक आसन पर आकर बैठ जाती है, उसको कुंभ लगाया जाता है, सर रस्त मन रस्तम छोड़कर हम जुट जाते हैं, क्या फर्क है, वो गण की वहां भी मूर्ति है यहाँ भी मूर्ति है, लेकिन जब आसन पे आकर बैठ गई एक बार फूल हाथ पहना गया हमारा सर रस्तम से जुट जाता है, क्या कारण है, क्या कारण है इसमें, वो प्राण प्रतिष्ठा का वो बीजा का मंत्र है, चाहे बीज अक्षर हो, चाहे बीज वीर्य हो, चाहे बीज मंत्र हो, इनका ज्ञान से होता है, वो जिस स्थापना होती है नमस्कार करते हैं। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, मैंने 5 बीजों की स्थापना की है, उसके ऊपर आप बैठेंगे तो आप में प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप संत महात्मा कहलाएंगे, आप साधु कहलाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बात याद, इसमें दो तरह के साधु संत महात्मा है। रावण ने भी तपस्या की, रावण ने भी अपने 10 मुंडों को काट कर अपनी साधना को सिद्ध करके कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठाया था। आप अगर पंचमुखी आसन पर बैठकर इस प्रकार की आशा करो कि मुझे गुरु का सब चाहिए, ये गलत बात होगी। आप गुरु को ही उसके ऊपर बैठे, जैसा भस्मासुर का हो गया कि भस्मासुर ने वर शिव से प्राप्त किया और भस्मासुर वर के हाथ रहने चले गया, ये दुष्टता का कार्य करोगे तो तुम्हारा सर कटेगा। क्यों कि तुम्हें दुष्टता, इसमें अच्छाई और बुराई दो एक विधान है, इससे आश्रम की स्थापना करते समय ही इस बात का कीर्तन कर दिया गया है, अगर दुष्ट बुद्धि से कोई आश्रम में बैठता है तो पहले उसका सर कटेगा या उसको वो दीवाना हो जाएगा। आपकी कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, आपके बजाय आपकी विराज प्रार्थना का देव साफ हो जाएगा। आप कुछ भी आशा करो पूर्ण नहीं होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं आपको देखता हूँ आपकी आशा कैसे पूर्ण नहीं, क्योंकि आप इच्छाधारी हैं, आपकी इच्छा कुछ भी कर सकते हैं, राक्षस की इच्छा भी हो सकती है और राक्षस के तत्व को भी आप प्रार्थना करके प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कार्य ऐसी मनोकामना पूर्ण होने से पहले अगर मैं करता हूँ तो आपकी दुष्टता में मैं भी साथ देने वाला कहलाता हूँ और उस दुष्टता को होने नहीं दूंगा और करने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं इस पंचमुखी आसन की स्थापना से पहले आपको इस बात का ज्ञान जरूर देना चाहता हूँ कि आपकी इस पंचमुखी आसन के बैठने की साधनाओं में कोई विघ्न ना आए और आप
आपके ऊपर कोई साधु प्रयोग ना करे, आपकी बुद्धि विमर्शता से काम ना करे, आपकी बुद्धि में नेगेटिविटी ना आए, आप गुरु के प्रति अपने शिष्य प्रति श्रद्धा हो। जहां श्रद्धा कटे वहां चाहे आप कितने भी मंत्र बोलो, कितने भी तंत्र करो, कोई फल नहीं मिलता जब तक आपने श्रद्धा का भाव नहीं होता। आज हमने देखा है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे और कोई भी हो, वे केवल क्या वेद ही पढ़ा रहे हैं। जो भी दूसरे धर्म वाले लोगों ने वेद पढ़ कर भी पढ़े हैं, आज बिना वेद के भी पढ़े हैं। वेद क्या है? वो अक्षर ब्रह्म है। उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान श्रद्धा के साथ जो भी उच्चारण करता है, चाहे किसी का किसी कोई जाति का व्यक्ति हो, वो सिद्ध कहलाएगा, वो सिद्ध हुआ है और हम उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हैं, चाहे वो किसी जाति का। तो इससे पीछे क्या रहस्य है, इस बात का पहले जाने और इसके लिए पहले गुरु के प्रति अपने नतमस्तक हो, गुरु के प्रति वचनबद्ध हो, गुरु के प्रति अपनी निष्ठा हो, तभी ये कार्य हो सकता है। मैं स्वामी कृष्णानंद जी की कोई साधना रत करते हुए स्वामी कृष्णानंद जी के अपना मंत्र आज तक चलता रहा, आज भी चलता रहा, कल भी चलूंगा, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक इस बात को लेकर चलूंगा। आज उनके चरणों में झुका हुआ ये सर, आप सभी के सामने सर उठा कर खड़े रहने के कहा, आप भी उसी मार्ग पर चलो, आप किसी के सामने सर झुकाने का समय नहीं लाऊंगा, नहीं आने दूंगा। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप गुरु के प्रति विवेचन बद्ध ना होकर आप दुष्टता के साथ देखेंगे या आप कोई ऐसा कार्य करेंगे तो आपको छोड़ूंगा भी नहीं, शत्रुता मेरे साथ भी रख लो, मैं भी शत्रु कहता हूँ बता देता हूँ, या मैं मित्र हूँ तो मैं कैसा मित्र हूँ ये भी बता देता हूँ, मैं माँ बाप हूँ मुझे माँ बाप समझे तो बेटे के लिए बात कर दूंगा, प्रेमी हूँ तो प्रेम के लिए बात करूंगा, शत्रुता करेंगे तो शत्रुता भी बता दूंगा मैं क्या चीज हूँ, अगर मैं नहीं बताया तो बच्चों की आशा जाए करूंगा तो मैं ये कहना मेरे गुरु के प्रति या मेरे प्रति निष्ठावान नहीं है और जिन्होंने ऐसा कार्य किया है जो मेरे गुरु के प्रति निष्ठा, आज मैं मेरे अंतिम क्षण तक उन लोगों के प्रति जरूर दुख नहीं सहूंगा जिन्होंने मेरे गुरु के प्रति निष्ठा की है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात आप आपको आज इसलिए कह रहा हूं, मैं पवित्र गुरु आज स्थापन करते हुए मुझे आज हजारों लोगों ने विरोध किया है, आज उन्होंने कहा कि अद्वैत में देख लूंगा, मैंने कहा मैं भी तुम्हें देखूंगा, मैं भी तुम्हें कर दीजिए, मैं स्थापन करने के लिए मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज, मैं आप इस बात को कहने के लिए मुझे आज आपके सामने कहने के लिए ये मुझे मजबूर कर हुआ हूँ, क्योंकि आज सुबह भी उन्होंने ये बात कही कि मेरे गुरु की कसम देने के और मैं उसका बगला की मदद से उसका मुंह ही बदल दिया कि वो बात आगे बात नहीं कर सकता कि गुरु की कसम है बात नहीं कर सकता, वो ये कहना चाह रहा था कि मैं गुरु की कसम देता हूँ कि बगला की साथ ये प्रथम के आज की स्थापना करो, वो कहे इससे पहले उसका मुंह बदल दिया, आज अभी भी मुंह बदल है कि ताकि मेरे प्रथम के आज उसका पूरी ना खुली। इस दुष्टता को सहन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मेरे गुरु की आज्ञा दी, मैं बिना गुरु की आज्ञा के कार्य नहीं कर रहा, मैंने गुरु से कहा है, गुरु आपने जितना कहा है 14 वर्ष का अनुवाद हुआ, आज मेरे जिन्होंने भी आपकी गुरु की आदर पहने और मेरे साथ आए हैं, मैं उनको रोते हुए बिलखते हुए असमर्थ होते हुए देखना नहीं चाहता, उनमें सामर्थ्यता भरना चाहता हूँ, मेरे जीवन का आखिरी क्षण है और गुरु जी मैंने जिस दिन आपसे पहले मिला और आखिरी तक की एक ही बात कर मेरे को किसी के रूप में मत रखना, गुरु जी मैं किसी के रूप में नहीं लेना चाहता, मैं ऋणी हूँ तो आप गुरु का ऋण होता ही नहीं क्योंकि मैं गुरु से आगे हुआ हूँ फिर गुरु से मिल जाता हूँ, मैं ऋणी की बात नहीं, घर से निकला घर जाना है, घर तक जाने के लिए ऋण नहीं होता, ऋण उसका होता है किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो उस ऋण को मुझे चुकाना है, मैं उस ऋण को चुका दूंगा, मुझे किसी का ऋण नहीं चाहिए प्रभु, आपका जिसने भी मंत्र किया है या मैंने जिसको भी गुरु मंत्र की इच्छा की है मैं उसके जीवन का भार मैंने लिया है आपके नाम पर, आपके भरोसे पर और आपकी श्रद्धा के भरोसे को लेकर करूंगा। आज मैं चाहे थोड़ी 2 मिनट के लिए आवेश भी हुआ होगा लेकिन हजारों लोगों ने ये बात कहते हुए आई इसलिए मन में उस चीज का क्रोध आपके सामने इसलिए आया कि उन लोगों ने कहा कि तुम आज उनका आज किसी भी तरह इस मंडल की आश्रम की स्थापना को रोकना था उनकी इच्छा थी, मैंने कहा तुमने मेरी बगलामुखी को नहीं देखा, मैं आश्रम किसी पर प्रयोग बगलामुखी का नहीं किया लेकिन इन लोगों पर मुझे बगलामुखी का प्रयोग करना पड़ा, बोला मैंने कहा मेरी बगलामुखी मेरी पंचमंडी आश्रम का जब स्थापना नहीं होगी आपके मन स्तंभित हो जाएंगे, मुख और चलना फिरना सब बंद हो जाएगा, जब पंचमंडी आश्रम स्थापित होगा तब आपका मुंह चलना फिरना चालू हो जाएगा, मैंने आपको स्तंभित कर दिया है। इसी समय मैं ये भी करना चाहता हूँ कि कहीं चलते चलते आपके कदम भी ना रुक जाए, आपको भी चलते चलते कोई ना रोक ले, आपकी बुद्धि सुबेद ना कर दें कि आप
आदमी को भी ऐसा नहीं, मैं क्यों बनना चाहिए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरा ऐसा तो नहीं हुआ, ये आसक्त स्थापने के लिए क्या होता है, इससे क्या होना है। पंचमंडी आसक्त आपको संसार का राजा बना सकता है, संसार का सबसे धनवान बना सकता है, जो भी इच्छा करोगे वो उसको पूर्ण कर सकता है। ये वो यह वो आसन है जिसके ऊपर सारे देवता विराजमान। मैंने ऐसे आपको कहा कोई ऐसा देवता नहीं जो बिना जी के आसन डाला हुआ। आज तक हमने केवल वस्त्र के ही आसन डाले, आज तक कभी रेशमी आसन नहीं डाले हैं, ऊनी आसन नहीं डाले, हमने मुंडों का आसन कभी पहना नहीं और उसके बारे में जानते नहीं। लेकिन आज परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी की कृपा की कृपा से आज वह आसन मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। आने वाला कल आप योग को सिद्ध करते हुए बताने के लिए मैंने वह आसन आपके लिए बिछाया, और आप उस आसन को बिछाने समय किसी प्रकार का विचार न करना, अपने बुद्धि को स्थापित न करना, अपने बुद्धि को भ्रमित न करना, और अपने बुद्धि के लिए विचार नहीं लाना कि मुझे इससे करने से क्या होगा। आपको कुछ नहीं होगा, आप मरेंगे तो भी जिंदा मैं आदर करूंगा। पंचमंडी आसन के लिए आपको वहां जाना ही है, आपको आसन पर स्थापित करना ही है, आपके आसन पर चलना ही है, क्योंकि आपने जिस मार्ग को अपनाया है, जिस गुरु चादर को आपने पहना है, वो गुरु चादर असमर्थ लोग नहीं पहनते, सामर्थ्यवान पहनते हैं। और उस सामर्थ्य को मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं क्या की। लोग विशेषकर यह बात जानते हैं, ये बात देखते हैं कि हम परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी की शिष्य के शिष्य हैं, हमने अपने गुरु के लिए सब कुछ छोड़ा है और गुरु चादर पहनी। लोगों ने आपकी भी निंदा की, करते भी हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हम जिस पद पर अग्रसर हैं वह अग्रसर भारत को ही सारे संसार को आगे बढ़ाने वाला है, और इस आगे बढ़ाने वाले संसार में जरूर बांटे हैं। इस संसार में आपको बहुत बार प्रश्न होता है, गुरु जी हमने इतनी गुरु जी की साधना की, इतना सब कुछ किया, हम आज भी वनवास अनुभव कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे आप ही नहीं, चाहे वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, चाहे द्रोणाचार्य जैसे गुरु हो, तो पांडवों को भी वनवास नहीं चुका ना, रामचंद्र जी को भी वनवास नहीं चुका, संसार बताता है। चाहे किसी साधना नहीं की होगी, लेकिन जिसने इस वनवास को भोगा और अंत तक खड़े रहे, वो लोग राज्य स्थापन किया, वो लोग महाराजा बने, वो लोग चक्रवर्ती बने, वो लोग भगवान बने, वो लोग देव बने। और आज उस देव बनने की क्रिया का आरंभ हो गया है। आप अभी पीछे हटे तो जीवन भर फिर सात दिन लोग पीछे हट गए, कभी अभी पीछे हटने की प्रक्रिया मत करो, अब आगे बढ़ो। आपको गुरु कृपा से यह स्थान यह विधान मिला है। आज अगर आज मैं कहूं तो आपके जीवन में आप पहली बार कह सकते हैं कि हमने पंचमुखी आसन को स्थापित हुए देखा है। मैं कहता हूं आपके 10-20 साल पहले किसी ने कहा नहीं कि बाबा के हमने स्थापित करते हुए देखा है, ऐसा कहने वाले कोई नहीं होगी। आज 1932 में श्री साईं बाबा की समाधि भी हुई होगी हेगांव विधान मार्ग। मैं तो नहीं समझता कि आपने कोई किसी ने श्री साईं बाबा की समाधि को होते हुए देखा है, देखा कोई किसी ने? तो जब आपने नहीं देखा है तो उस चीज को मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो पंचमंडी क्या है। उतना महान तो नहीं हूँ कि श्री साईं बाबा योगी तो नहीं महान है जिन्होंने कार्य किया है, लेकिन स्वामी की फिर क्रांति का शिष्य हूँ और आपको बता देता हूँ कि पंचमंडी नाम आसन भी है और हम स्थापना कर सकते हैं और उसकी योग्यता भी है। लेकिन इस आसन को स्थापित करने से पहले या हम आगे जाने से पहले हमें एक सोचना है कि मैंने जैसा आपको आज कहा, जब वो लोग मुझे भी रोकते हैं तो आपको भी रोकेंगे, आपको भी कहेंगे, आपका चित्त भी भ्रमित करेंगे, आपके चित्त में भी आकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ऐसी साधना है, ऐसा साधना नहीं करना। लेकिन एक बात याद रखो, यह बात यह विधान बार बार आपके सामने नहीं आता और आपके जीवन में यह नहीं होता, केवल स्पर्श मात्र से, केवल देखने मात्र से आप उस सिद्धियों को अनुभव कर सकते हैं। मैं उस विधान को बताने के लिए कि इससे पहले इन आसनों को किसने किया था, भगवान शंकर जी ने भी जब पार्वती माता विवाह के लिए बहुत सुंदर होकर वधू बनकर जा रही थी तो ब्रह्मा ने उनके केवल नख को देख लिया था, माता पार्वती के नख को वधू बनकर जा रही थी देख लिया था जब पंचमुख ब्रह्मा था, और जैसे वो जा रहे थे जब उन्होंने पार्वती की उस सुंदरता को नख की सुंदरता को देखा और वे खिंचर हो गए और उनका भी स्खलित हो गया। जब ये बात भगवान शंकर को मालूम हो गई, भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सर काट दिया, उसका मुंड नीचे गिरा, लेकिन वो ब्रह्मा का सर था। ब्रह्मा ने कहा सुंदर है इसलिए देखा, ये बात गलत है कि स्खलन नहीं होना चाहिए, लेकिन सुंदरता को देखकर ऐसा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा ने जाकर क्षमा मांगी, क्षमा मांगने पर शिव जी ने कहा ऐसा कर दिया और एक बार कहेगा तो तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरी पूजा इस संसार में नहीं होगी। और ब्रह्मा की पूजा आज भी नहीं, लेकिन शिव जी के प्राप्त करने वाले ब्रह्म ज्ञान के लिए
हमारे सर में ब्रह्मा का ही स्थान है, गुरु को ब्रह्मा ही कहते हैं। हम उस स्थान को प्राप्त करते हुए जब वो मुंड नीचे गिरा तो मुंड जाकर शिव जी के हाथ को चिपक गया, क्योंकि वो ब्रह्मा का मतलब पृथ्वी पर बढ़ने वाला नहीं था। जैसा ही चिपक गया उस कपाल को लेकर शिव जी परेशान हो गए, तो कितना घटा छूटता ही नहीं, वो ब्रह्म का मुंड था। वो जाते जाते अपने गुरु विष्णु की प्रार्थना किए और वो विष्णु की प्रार्थना करके आगे बढ़े, तो गया में जाने के बाद ब्रह्म कपाल जहाँ है उनका मोक्ष हुआ। विष्णु ने उनको मोक्ष देते हुए अपना पैर का स्पर्श किया, जहाँ आज विष्णु का पाप गहरा रहता है गया में, और वो ब्रह्म कपाल का मोक्ष का कारण बना। तो इस प्रकार इस कुंड की साधना हम आप नहीं, देवताओं ने भी संपन्न की। भगवान विष्णु ने भी हिरण्य विष्णु को मारने के लिए अपना सर काटा और सिंह का सर रखा, उन्होंने भी साधना संपन्न की। तो जिम्मेदार आज हम नहीं करें, हम उन देवताओं की पूजा करते हैं जिन देवताओं ने साधना को संपन्न किया है। मैं आपसे यह बात कहता हूँ कि इस साधना को करने से पहले हमारे को भी रोकने वाले हजारों लोग हैं, हमारे को भी भ्रमित करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इस भ्रम से आगे हों तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तब शिवजी ने पहली बात कहा था कि इस चीज को चाहे ब्रह्मांड में अपने ऊपर आने के लिए अगर कोई रोक सकता है तो स्थापित कर सकता है, क्योंकि हम ये मार्ग भी नहीं। उनके कहने का उनका कहना भी तात्पर्य यह है कि आप अगर स्थापन करके अयोग्य लोगों को अगर पंचम के आश्रम बिठाएंगे तो वो कुछ भी मांगकर इस संसार को खत्म करने के संसार को दूसरे का मार्ग पर ले जा सकते हैं। ऐसा न होने के कारण हम तुम्हें रोक रहे हैं। तो उनका चिंतन सही है कि कितने लोगों में अच्छे विचार होंगे, कितने लोगों में अच्छे विचार नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ परमपुरुष सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी की गुरु चादर पहनी हुई है वहाँ ऐसा दुष्टता का कार्य नहीं होगा। और मैं वचन देता हूँ कि ऐसा दुष्टता का कार्य कोई भी करता है मैं उसको शिक्षा दूंगा, यह भी बात मैंने उनसे कही। इसलिए हम यह कार्य करने से पहले माँ बगलामुखी का, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि मैंने नारायणास्त्र और पाठशास्त्र का प्रयोग शिवरात्रि जन्मदिन के उपलक्ष में और गुरु जन्मदिन पर किया था, और ब्रह्मास्त्र प्रयोग को ही बगलामुखी साधना कहते हैं, जो माँ सरस्वती की दृष्टि से श्रेष्ठ साधना कही है। अपने को दरिद्रता का सास ना हो, दरिद्रता अपने पास ना आए, अपने में असमर्थता ना आए, पंचमुखी आसन पर बैठने वाला असमर्थ व्यक्ति पंचमुखी आसन पर बैठ नहीं सकता, ये भी गारंटी बता देता हूँ। जिसके पास धन ऐश्वर्य सौंदर्यता गुरु मंत्र गुरु की कृपा ना हो पंचमुखी आसन पर बैठ नहीं सकता, ये सभी की जिसमें योग्यता होती है वही पंचमुखी आसन पर बैठ सकता है। और ऐसे व्यक्ति को जो रोकने की क्रिया करता है तब उसको ऐसे व्यक्ति को रोकने वाले के साथ टक्कर तो बड़े आदमी से ही होगी। जो अपने को रोकने की क्रिया करेगा वो तो बड़ा ही आदमी होगा। अगर वो कोई अस्त्र छोड़ता है इस अस्त्र को स्थापित करने के लिए, इस अस्त्र को रोकने के लिए, क्यों? क्योंकि किस प्रकार रोक सकता है आपको? गुरु जी मैं बैठा हूँ, मुझे सड़क फोन आ गया, गुरु जी कुछ केस हो गया मेरे ऊपर, मैं जाना है। आपको रोकने की प्रक्रिया होगी, आप आज को जल्दी जल्दी आएंगे। गुरु जी मेरा बेटा बीमार हो गया है, मेरी बीवी को किसी को एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ भी कर सकते रोक सकता है। हम उसको रोकने की प्रक्रिया में तो कुछ भी कर हम जरूर अपन बैठेंगे। इस क्रिया को अगर आपको था उसको रोकना आपको जरूरी है, और उसको रोकने के लिए आपको आप यहाँ कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि आपको पंचमुखी आसन पर बैठना है। आज नहीं तो कल इस अस्त्र का उपयोग आपके जीवन में आना ही चाहिए। मैंने ये बात कही थी कि मैं गुरु पूर्णिमा में आपको ब्रह्मास्त्र प्रयोग दूंगा, ये इसीलिए कही थी कि मैं उसी समय मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं इसके लिए नामिग्रह में पंचमुखी आसन की स्थापना कर रहा हूँ। और नारायणास्त्र पाठशास्त्र जो अर्जुन कृष्ण आदि ने की थी वो अस्त्र का पहले मैंने प्रयोग करवा दिया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस आसन पर पंचमुखी आसन पर बैठने से आप क्या साधक श्रेष्ठ रूप से आगे बढ़े। यह ब्रह्मास्त्र अपने को दरिद्रता से दूर रखता है, असमर्थता से दूर रखता है, अपने पास कमजोरी को कमजोरी से दूर रखता है, और इसकी श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रयोग को करना बहुत ही जरूरी है। और इस आसन को इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को करने वाला साधक कभी अपने आप को असमर्थ नहीं कहता, उसके ऊपर कोई रोग कभी नहीं होगा।